हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आप लोग WTC फाइनल तो रेगुलरली फॉलो कर ही रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो डे वन का गेम था वो कॉल ऑफ कर दिया गया था हैवी रेन की वजह से। जो डे टू था वो 3 से 4 बार डिले हुआ था, ये कॉल ऑफ हो गया था बैड लाइट की वजह से। डे थ्री में भी 1-2 बार देखने को मिला और आगे चल के भी देखने को मिल सकता है। तो अब ये सब होने के बाद बहुत सारे लोगों का मेरे पास टैक्स आने लगा कि भाई बैड लाइट होती क्या है, बैड लाइट में प्लेयर्स खेल क्यों नहीं सकते, ये बैड लाइट की वजह से इतना हंगामा क्यों मच रखा है, डिवाइस यूज़ हो रहा है आजकल जो एम्पायर स्टंप पे रख रहा है वो है क्या, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक रहें। बैड लाइट का मतलब होता है कि सफिशियंट लाइट ना मिलना, और हिंदी में बात करें तो खराब लाइट की वजह से खेल को रोक देना होता है। तो अब आगे जाके देखें तो ये जो प्रॉब्लम होती है बैड लाइट की वो हमें देखने को मिलती है टेस्ट मैचेस में। मैं पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड बॉल टेस्ट मैचेस की जो दिन में खेले जाते हैं। दिन की जो धूप होती है या फिर सन की जो लाइट होती है उसमें रेड बॉल से मैच खेला जाता है, जिसमें रेड बॉल साफ दिख जाती है। बट जो ट्वाइलाइट का टाइम होता है शाम में जो टेस्ट मैचेस में होता है, या फिर जो दिन का एंड होता है, या फिर ओवरकास्टेड वेदर्स होते हैं, वहाँ पर रेड बॉल्स ना दिखने के कारण खेल को रोक दिया जाता है। जो लोग पूछ रहे थे कि यार भाई प्लेयर्स को क्या रिस्क होता है और वो डिले क्यों कर देते हैं खेलने में बैड लाइट में, तो ये उन लोगों के लिए आंसर है कि भाई उनको बॉल नहीं दिखेगी तो वो बॉल को कैसे जज कर सकते हैं। ये तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि 140 या 145 किलोमीटर पर आर की बॉल से आती है रेगुलरली क्रिकेट के मैचेस में या फिर किसी भी मैचेस में, तो भाई उनके लग जाएगी तो वो कितना हार्मफुल रह सकता है उन प्लेयर्स के लिए भी और वो एम्पायर्स के लिए भी। इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हंगामा मच रखा था कि भाई एम्पायर कौन सी चीज़ है, ये कौन सा डिवाइस है जो बार बार स्टंप पे रख रहा है। उसका आंसर है कि यही चीज़ है बैड लाइट मीटर। बैड लाइट मीटर ये ऐसी चीज़ है जो बताता है कि भाई आगे मैच चलेगा या फिर मैच को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। और जो ये मुद्दा है ना कि भाई बैड लाइट है नहीं है स्टेडियम में, वो कोई भी उठा सकता है, चाहे वो प्लेयर हो चाहे एम्पायर हो। तो वो जो चीज़ है वो डिवाइस रख दी जाती है उस स्टंप्स के ऊपर और चेक किया जाता है कि भाई सफिशेंट लाइट है नहीं है स्टेडियम में। तो ये जो डिवाइस है वो ICC ही प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जो ये मीटर्स बनाए जाते हैं वो अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा होते हैं और अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग रेंज होती है। जो पहले के टाइम था वहाँ पर एम्पायर साइट स्क्रीन के पास जाके वहाँ से चेक किया करते थे कि भाई लाइट है नहीं है, और उसकी रेंज होती थी 7.5 से लेके 8 के बीच में। अगर वो है तो मैच कंटिन्यू हो सकता है, वरना कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। वरना अब जब टाइम चेंज हो गया है तब एम्पायर खुद रखते हैं उस विकेट के ऊपर और फिर जज करते हैं, और आपकी रेंज हो चुकी 7 से लेके 7.5 तक। अगर उतनी भी लाइट है तो मैच सफिशिएंट है कि एक मैच खेला जा सकता है। होप सो गाइस जो आप लोगों के डाउट्स थे बैड लाइट से लेके और बैड लाइट मीटर से लेके वो सारे सॉर्ट आउट हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर सॉर्ट आउट हो गए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिससे उनको भी फुल नॉलेज हो जाए इस डिवाइस के बारे में।